नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अंबाला पहुंची कुमारी शैलजा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा चुनाव जीतने के बाद पहली बार अंबाला पहुंची। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को मिली 5 सीटों को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान अपनी विचारधारा और तौर तरीके थोपने की भाजपा की कोशिशों को जनता ने नकार दिया है। नैतिक तौर पर भाजपा चुनाव हार गई है, कांग्रेस ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहाँ बिहार के पूर्व मंत्री के 300 गज पर बने मकान पर कब्जा, पीजी बनाकर किराए पर दिए थे कमरे। बिहार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर रविंदर चरण यादव के गुरुग्राम के पालम बिहार स्थित 300 गज पर बने मकान पर आरोपित ने कब्जा कर लिया है। आरोपित लोकेश सेनी ने इस भवन को पीजी के रूप में तब्दील कर दिया और कमरे किराए पर लोगों को दे दिए। रविंदर चरण यादव 15 साल विधायक और मंत्री रहे हैं। इस मामले में गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को शिकायत दी गई थी। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि गर्म हवाएं चलने से जनजीवन हुआ प्रभावित, बाजारों में पसरा है सन्नाटा। हरियाणा में फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है, दिन के साथ रात में भी गर्मी का असर है। दादरी में अधिकतम तापमान 44 व न्यूनतम 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अस्पतालों में मौसम से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बाजारों में हर तरफ सन्नाटा पसरा रहता है। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हुए चलें तो आपको बता दें कि अमित शाह के फेंके जाल में फंसकर भ्रमित हो गए दुष्यंत चौटाला के वोटर। जेजेपी ने असेंबली चुनाव को लेकर कही थी बड़ी बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये कहा था कि जजपा से हमारी कोई नाराजगी नहीं है और वो आज भी एनडीए का हिस्सा है, तो इस बात का लोकसभा चुनाव में जजपा को काफ़ी नुकसान हुआ। इस बात के बाद दुष्यंत चौटाला की जजपा को लोकसभा चुनाव में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि जजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगली खबर आपको ला रही है एक खुशखबरी। जी हाँ, गुरुग्राम में अब जल्द तैयार हो जाएगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। गुरुग्राम जिले में बन रहे श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मार्च 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अस्पताल का करीब 48% काम पूरा हो चुका है, बाकी कामों में रफ्तार बढ़ाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था, जबकि 31 जुलाई 2024 पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। बता दें कि गुरुग्राम शहर में फिलहाल एक ही जिला नागरिक अस्पताल है, लेकिन इसमें भी चिकित्सा सुविधाएं ना के बराबर हैं और मजबूरन लोगों को बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। शहर की 30 लाख आबादी पर एक सरकारी अस्पताल है। आपको बताते चलें कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, टीचिंग ब्लॉक अस्पताल, गर्ल्स हॉस्टल, ऑटोप्सी रेजिडेंट हॉस्टल, एकेडमिक ब्लॉक, नर्स हॉस्टल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यूजी बॉयज हॉस्टल जैसी सुविधाएं होंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़, साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें।